हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रीजनिंग का ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आज का ये क्लास रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। प्रश्न में कहा गया है पहला शब्द और दूसरा शब्द के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। ये प्रश्न SSC GD एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। याद रखिएगा दोस्तों, शब्द एनालॉजी से हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। समझिएगा इसके रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की, उसी प्रकार भोपाल किसकी राजधानी है, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे शब्द आ जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इन संख्या के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों का समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए डायरेक्ट इसके लॉजिक को समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला संख्या है 7 और दूसरा संख्या है 50। संख्या 7 सेवा है 50, तो यहाँ पे किया गया है मल्टीप्लाई 7 प्लस किया गया है 1। इसी प्रकार 50 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे संख्या आ जाएगा 350। 350 में प्लस का 1 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 351। इसी प्रकार 351 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे संख्या आ जाएगा 2457। इसमें प्लस का 1 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 2458। इसी प्रकार का रिलेशन आगे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 2458 में लास्ट का डिजिट है 8। 8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 6। 6 में प्लस का 1 ऐड करेंगे लास्ट में यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में यूनिट डिजिट दिया गया है 7, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। प्रश्न में कहा गया है पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। तो याद रखिएगा दोस्तों, नंबर एनालॉजी से हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। अब समझिएगा इसके रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 11 से संख्या हुआ है 169। 11 में अगर प्लस का 2 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 13। 13 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 169। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। 18 में प्लस का 2 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 20। 20 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 400। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता हो। आपको 3 शब्द दिया गया है, विद्यालय, अध्यापक और छात्र। प्रश्न में कहा गया इन तीनों शब्द के बीच में किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। समझिएगा दोस्तों ध्यान से, इन तीनों शब्द को ध्यान से देखिए। इन तीनों शब्द में कॉमन शब्द है विद्यालय, तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, एक विद्यालय के अंदर में अध्यापक भी होता है और छात्र भी होता है, तो इस प्रकार का इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में ACD को 12 लिखा जाता है तथा BEA को 10 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ECG को कैसे लिखा जाएगा। ये प्रश्न है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का। तो याद रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से हर एक एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है। अब समझिएगा इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले इन लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे समझिए, ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे। अगर इन संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आ जाएगा 12, और इसको संख्या के रूप में 12 लिखा गया है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, पहला लेटर है बी, तो आपको पता होनी चाहिए बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे। इन संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे संख्या आ जाएगा 10, तो इसको भी संख्या के रूप में 10 लिखा गया है।
इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। ई आता है कितने नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे। इन संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या आ जाएगा 105। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। आपको दो संख्या दिया गया है 20 और 10। प्रश्न में कहा गया है 20 के जगह पे 10 रखना है और 10 के जगह पे 20 को पुट करना है। इसके बाद इस समीकरण को हल करना है। समझिएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे देखिए पहला संख्या दिया गया है 10, तो 10 के जगह पे संख्या आ जाएगा 20। इसके बाद प्लस दिया गया है 30, इसके बाद माइनस दिया गया है 5, इसके बाद मल्टीप्लाई दिया गया है 20, तो 20 के जगह पे संख्या आ जाएगा 10। इसके बाद डिवाइड दिया गया है 2। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए बोर्ड मास में डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 20, इसके बाद आ जाएगा प्लस का 30, माइनस आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 5, इसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे संख्या आ जाएगा 5। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस का 30 माइनस आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे संख्या आ जाएगा 25। इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 50। 50 में से माइनस करेंगे 25, संख्या आ जाएगा 25। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन में अलग रिलेशन दिया गया है लेटर के बीच में। सबसे पहले पहला ऑप्शन के लेटर को ध्यान से देखिए, इन लेटर में सबसे लास्ट का लेटर है ए, तो ए के बाद कौन सा लेटर आता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद आता है डी। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद आता है जेड। इसी प्रकार आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद आता है एल। तो इन तीनों ऑप्शन में एक जैसा रिलेशन है, इसलिए इन चारों में से अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी के बाद क्यू आता है लेकिन एस लिखा गया है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर सीरीज का आपसे पूछा गया है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इन संख्या के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। समझिएगा दोस्तों रिलेशन को ध्यान से, इस सीरीज में पहला संख्या है 3 और दूसरा संख्या है 21। तो 3 से संख्या 21 हुआ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है 7। 21 से संख्या 147 हुआ है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किया गया है 7। इसी प्रकार 147 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आ जाएगा 1029। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आप चाहें तो 1029 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे संख्या आ जाएगा 7203। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इन लेटर के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, उसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे होनी चाहिए। समझिएगा दोस्तों इसके रिलेशन को ध्यान से, सबसे पहले आपको इसका प्लेस वैल्यू को लिखना है। जैसे समझिए पहला लेटर है जी, जी आता है 7 नंबर पे, इसका पहला लेटर है के, तो के आता है 11 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे। अब इन संख्या के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है किस प्रकार का है। यहाँ पे देखिए 7 से संख्या 11 हुआ है तो यहाँ पे किया गया है प्लस 4, 11 से 15 हुआ है तो यहाँ भी किया गया है प्लस 4, 15 से 19 हुआ है तो यहाँ भी किया गया है प्लस 4। इसी प्रकार 19 में प्लस का 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 23। 23 नंबर पे आपको पता होनी चाहिए लेटर आता है डब्लू। इसके बाद दूसरा लेटर है एफ, तो एफ आता है 6 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे। अब इन संख्या के बीच में रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 6 से संख्या 9 हुआ है तो यहाँ पे किया गया है प्लस का 3, 9 से संख्या 12 हुआ है तो यहाँ भी किया गया है प्लस का 3, 12 से संख्या 15 हुआ है तो यहाँ भी किया गया है प्लस का 3। इसी प्रकार 15 में प्लस का 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 18। 18 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 18 नंबर पे लेटर आता है आर। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, डब्ल्यू आर,
ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया इन दोनों शब्द के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।